दोस्तों, हम सभी को वीकेंड्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से लेकर जॉब करने वाले एडल्ट्स सभी एडवांस में अपना वीकेंड प्लान कर लेते हैं। पर अगर आप नॉर्थ कोरिया से हैं, तो शायद वीकेंड भी आपके लिए कोई स्पेशल दिन ना हो। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते के 7 दिन काम करना ही पड़ता है, जिसमें से 6 दिन किए काम के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है और 1 दिन बिना सैलरी के एक्स्ट्रा काम करके उन्हें अपने देश की प्रगति में योगदान देना पड़ता है। अपने रैंडम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती रहने वाली बहस को लेकर नॉर्थ कोरिया और वहां का डिक्टेटर किम जोंग उन हमेशा चर्चा में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा से एक सीक्रेट कंट्री रही है और वो पूरी दुनिया से कटी सी रहती है। पर क्या आप जानते हैं, जितनी ज्यादा अजीब ये कंट्री है, उतने ही ज्यादा अजीबो गरीब यहाँ के लॉज। आज मैं आप सभी के सामने नॉर्थ कोरिया के कुछ हैरान कर देने वाले रूल्स और रेगुलेशंस लाया हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर के बाद से ही कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था। किम टू संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाया गया था, जिसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल और पोते किम जोंग उन ने ही इस देश पर राज किया है। यहाँ किम और उनकी फैमिली को ही सबसे ऊपर माना गया है। हर फैमिली को घर में किम और उनकी फैमिली की फोटो लगाना जरूरी है और उसकी पूरी देखरेख करने के ऑर्डर्स हैं। फोटो पर हल्की सी धूल लगने पर आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। पिछले साल जनवरी में आए एक केस में एक महिला को जेल की सराखों के पीछे डाल दिया गया, क्योंकि घर में लगी आग के दौरान उसने किम की फोटो के बजाय अपने बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी पूरी दुनिया से अलग चलता है। उनका कैलेंडर जूच किंग किम जोंग उनके दादा किम टू संग के जन्म के बाद से शुरू होता है। किम टू संग का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1912 में, जिसके हिसाब से जहां पूरी दुनिया 2020वें साल मना रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया में अभी 109 साल चल रहा है। यहां के लोग 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी तरीके का बर्थडे सेलिब्रेशन या खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि इन 2 दिन किम टू संग और किम जोंग इल की मृत्यु हुई है और इन्हें शोक दिवस माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी खुद की एक बायोग्राफी जारी की है, जिसमें उन्होंने काफी अजीबो गरीब बातें लिखी हैं। बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जिस दिन किम जोंग उन पैदा हुए थे, उस दिन आकाश में से एक साथ 2 इंद्रधनुष बने थे और एक नए तारे का जन्म भी हुआ था। किम ने अपनी बायोग्राफी में खुद को भगवान का दर्जा भी दिया है और ये भी दावा किया है कि उनके पास मौसम बदलने की अद्भुत शक्तियां भी मौजूद हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, भाई अगर इतनी शक्तियां हैं तो देश से कोरोना क्यों नहीं दूर कर देता। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक लौता नास्तिक देश है। बाइबल रखना या साउथ कोरियन फिल्म्स रखने पर सीधे मौत की सजा मिलती है। यहाँ किम और उनकी फैमिली को ही सबसे ऊपर माना जाता है और उन्हीं की पूजा करी जाती है। यहाँ की हिस्ट्री बुक्स में भी सिर्फ किम जोंग उन 1 और किम जोंग उन 2 की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। दुनिया के बाकी देशों के इतिहास से इन्हें मतलब नहीं है। साल 1990 से ये आदेश जारी किया गया है कि हर टीचर को एकॉर्डियन बजाना आना चाहिए। एकॉर्डियन हारमोनियम जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और आज देश के लगभग हर नागरिक को ये बजाना आता है, और जिसे बजाना नहीं आता उसे जुर्माना भरना पड़ता है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई के बदले में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं जिससे वो सरकार को मुनाफा दे सकें। कार रखने पे सख्त पाबंदी है, सिर्फ सेना के अधिकारी या सरकारी अफसर ही कार रख सकते हैं। इसलिए पूरे देश में कुल मिलाकर सिर्फ 100 लोगों पर ही कार है। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मी हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यहाँ हर मकान को ब्राउन कलर का होना जरूरी है और हर घर में सरकार ने रेडियो लगवाए हैं, जिससे वो नए नियमों का ऐलान करती है और इस रेडियो को बंद करना निषेध है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट मोबाइल फोन्स लेकर नहीं घूम सकते। उनका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जमा हो जाता है और जब वो लोग वापस घर जाते हैं तब उन्हें वापस किया जाता है। केवल यही नहीं, टूरिस्ट स्थानीय लोगों से बात भी नहीं कर सकते। वो हमेशा एक गाइड की निगरानी में रहते हैं और खुद से अकेले कहीं नहीं घूम सकते हैं। नीले रंग की जीन्स पहनने में पाबंदी है। यहाँ सरकार तय करती है कि लोग क्या पहनेंगे और उनके हिसाब से नीली जीन्स अमेरिकी कैपिटलिज्म का प्रतीक है। हालांकि टूरिस्ट को ये छूट है कि वो नीले रंग की जीन्स पहनकर शहर में घूम सकते हैं, लेकिन किम टू संग और किम जोंग इल के मेमोरियल हॉल में जाने से पहले आपको दूसरे कलर की जीन्स पहननी पड़ेगी। सत्ता में आने के बाद से ही किम जोंग उन ने हेयर स्टाइल्स के ऊपर एक नया कानून लागू किया है। इसके अनुसार नागरिकों को सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स रखने की अनुमति दी गई है। पुरुषों के पास सिर्फ 10 विकल्प हैं और महिलाओं के पास 18। सरकार के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन का हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है। अब इस लाइन पर मुझे हंसना चाहिए, रोना चाहिए, मुझे नहीं समझ आता।
2011 में आए आदेशों के अनुसार कोई भी अपने बच्चे का नाम किम जोंग उन नहीं रख सकता, और जिसका भी नाम पहले से किम जोंग उन है वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बदलवा ले। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही अवेलेबल है, जिनमें ज्यादातर बड़े नेता और मिलिट्री जनरल्स ही हैं। यहाँ कोंग मियोंग नाम का अपना इंटरनेट है और रेड स्टार नाम का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके जरिए से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ 28 साइट्स ही अवेलेबल हैं, जो कि 24 घंटे सरकार की निगरानी में रहती हैं। दरअसल यहाँ की सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बाहरी दुनिया के बारे में लोगों को ज्यादा पता चले। 2007 में एक नागरिक को फांसी की सजा दे दी गई थी क्योंकि उसने बिना परमिशन के एक इंटरनेशनल कॉल किया था। इसके अलावा यहाँ गरीबों की फोटो लेना सख्त मना है, क्योंकि किम को लगता है उससे उनके देश की इमेज खराब होगी। सबको खुश दिखाना ही पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में 3 generations रूल भी है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई शख्स क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां यानी उसके बच्चे, पोते और वो खुद सजा काटने के जिम्मेदार होते हैं। इसी रूल के कारण यहाँ 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रिजन कैंप्स में बंद हैं। नॉर्थ कोरिया की न्यूज और मीडिया के भी अलग ही चर्चे हैं। यहाँ के नागरिकों को न्यूज़पेपर भी आसानी से अवेलेबल नहीं है। बस स्टैंड पर अखबारों की फोटो लगाई जाती है और लोगों को न्यूज पढ़ने बस स्टैंड तक जाना पड़ता है। सिर्फ 3 TV channels ही यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ कोई भी बाहर की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं और न्यूज में भी सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। 2020 की ग्लोबल मीडिया फ्रीडम की एनुअल लिस्ट में नॉर्थ कोरिया इस साल फिर से आखिरी स्थान पर है। हर 5 साल में यहाँ एक बार चुनाव होता है, पर इस चुनाव में किम के परिवार के अलावा किसी और को खड़े होने की आजादी नहीं है, इसलिए उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। जी हाँ, किम, जो कि हर साल 100% मात्र से चुनाव जीतता है। 17 से ऊपर का हर नागरिक यहाँ वोट कर सकता है। किम ने नॉर्थ कोरिया के साउदर्न बॉर्डर पर किजोंगडोंग या पीस विलेज नाम का एक छोटा सा गांव भी बनवाया है, जो सिर्फ साउथ कोरियंस को लुभाने के लिए बनाया गया है। इस पूरे गांव में कोई भी नहीं रहता है, हालांकि रात को यहां बिजली जलाई जाती है ताकि लगे कि लोग हैं। साउथ कोरियंस ने इसका नाम प्रोपेगेंडा सिटी रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से किम अपने शहर को खुश और भरा दिखाकर अपने सारे गलत काम उसके पीछे करते हैं। साल 2013 में किम ने अपने अंकल जैंग सोंग थेक को पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि फ्यूचर में जैंग उसकी सत्ता उससे छीन सकते हैं। बता दूं कि जैंग को किम के बाद नॉर्थ कोरिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता था, और उन्होंने ही बचपन से लेकर किम के पावर्स में आने तक उसकी देखरेख करी थी। ऐसे ही साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हियोन योंग चोल को किम ने 100 लोगों के सामने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार डाला, क्योंकि एक इवेंट में किम की एक स्पीच के दौरान हियोन को हल्की सी आंख लग गई थी। फरवरी 2017 में किम के सौतेले भाई किम जोंग नाम की भी संदिग्ध हालातों में मृत्यु हुई, जिसका जिम्मेदार किम को ही माना जाता है। कहते हैं कि नाम डिक्टेटरशिप के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने अपनी शादी के बाद से ही नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया था। किम किसी भी तरह के एंटी नॉर्थ कोरियन व्यूज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए नाम उनकी आंखों में हमेशा से खलते थे। 2017 में एक दिन नाम क्वालालंपुर सिंगापुर एयरपोर्ट पर थे, जहां 2 assassins ने उनके मुंह पर टॉक्सिक केमिकल छिड़क कर उन्हें मार दिया। 7 दिसंबर 2014 को योनमी पार्क नाम के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में योनमी बताती हैं कैसे वो 2007 में नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना आई और 2009 में साउथ कोरिया में सेटल हुई। नॉर्थ कोरिया के हालत बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बताया कि किम ने प्लेजर स्क्वाड नाम की अपनी एक फीमेल स्क्वाड बनाई है। इसमें 2000 से ज्यादा महिलाओं को जबरदस्ती घर से उठाकर ले जाया जाता है और किम की सेवा में लगाया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें ज्यादातर 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्चियां होती हैं, जो किम के इनह्यूमन नेचर को साफ दिखाता है। नॉर्थ कोरिया की हालत सच में बहुत बदतर है। किम ने अपनी तानाशाह सरकार को चलाने के लिए भले ही कई ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी आ रही होगी, पर इस देश के अंदर की सच्चाई काफी ज्यादा दर्दनाक है। देश भर में अपना खौफ बनाए रखने के लिए किम ने कई ऐसे बुरे काम करे हैं जो इंसानियत के ऊपर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग नॉर्थ कोरिया के दर्द को समझें। अपने वैल्यूएबल व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।